इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बढ़ कर इतनी बातें करते हैं कि साहब, आप एक आदमी को हुआ है जो एक मैंने लुटेरे बदमाश, अगर जो लोग अगर कोई साफी होता है, हम ये कहते हैं उनको मारे नहीं, मारे आप मारे नहीं हैं आपको, लेकिन उनके खिलाफ जो है किसी और ग्रुप ने मारा है, वो खुद अपने आप को पटवाते हैं। कई केस तो ऐसे हैं कि जो लोग जो हैं वो एक शान रसूल में गुस्ताखी करते हैं ताकि उसको बरतानिया का वीज़ा मिल जाए, फ्रांस का वीज़ा मिल जाए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने ऐसे खानदान के लोग मौजूद हैं जो साफ़ी इस बात के गवाह हैं कि एक साफ़ी ने अपने आप को झूठा अपने पर फायरिंग करवाई और कहा कि आईएसआई ने मुझ पर फायरिंग कराई और जाकर फिर वो आकर जाकर बरतानिया में इस वक्त अपने पूरे खानदान के साथ बैठा हुआ है। तो ये कमीनगी भी होती है और कुछ लोग ऐसे करते हैं। इस वक्त क्योंकि FATF का मामला है, इस लिहाज से उन्होंने ये बदमाशी की है कि इस पर किसी पर किसी ने कराई है और इसके ऊपर जो है जो जो ये जो आदमी है जिसका नाम जो कैपिटल टॉक करता है, इसका दिमाग ख़राब है। ये हर वक्त जो है हर काम में अपनी अयारी और मक्कारी से बाज नहीं आता है और अपने पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाई करता है। तो आप मुझे बताइए कि आप किसका काम कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वो जो बात आपको हामिद मीर साहब जो हैं, मुझे ये बताइए कि आपकी हैसियत क्या है। जिस वक्त आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं नवाज शरीफ का एडवाइज़र था 1999 में, तो मैं चीन से आया था जो 1999 की बात है। तो मेरा इंटरव्यू किया, सवेरे एक प्रोग्राम होता था, वो खलील साहब करते थे और ये और मैं दो उस प्रोग्राम में शामिल थे। तो इसने मैंने पी पी को पाकिस्तान पीपल पार्टी पर जब तनकीद की, तो इसने मुझे कहा आखिर में जब जिच हो गया ये मेरी तमाम बातों से, मेरे तमाम जो दलाइल थे उससे जिच हो गया, इसके बाद कुछ और दलील नहीं बचा, तो इसने मुझ पर यह अटैक किया कि साहब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आपको आपके एम क्यू पर एक लफ्ज़ ही बोलते। तो फिर मैंने कहा तुमसे ज़्यादा कोई कमतर दर्जे का कोई साफ़ी नहीं है, तुम्हें यह तक नहीं मालूम कि नुसरत मिर्ज़ा सबसे ज़्यादा तनकीद निगार है MQM का। तो इस वक्त खलील ने भी कहा कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा नादान आदमी हो, तुम्हें यह नहीं मालूम कि सबसे ज़्यादा नाकली तो नुसरत मिर्ज़ा है MQM का। तो उसके बाद में फिर ये माफ़ी मांगता रहा मुझसे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गो अब मेरा अदब करता है, मुझे कहता है कि मेरा सीनियर है, मैं इनके सामने बदतमीजी भी नहीं कर सकता, वो सब बातें सही है, लेकिन आपको इस बात पर माफ़ी नहीं दी जा सकती कि आप रोज़ के रोज़ जो है हर वक्त फ़ौज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। भाई आपका बेटा अगर नालायक भी हो, फर्ज कर लीजिए, अगर फ़ौज हमारी औलाद की तरह से है, तो आप अपनी औलाद को तंबीह कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ तो ये तो नहीं कर सकते कि उसको आप बदनाम रसुआ करें सारे दुनिया जहाँ में। अब इसराइल के इस लुच्चे एंकर को ये नहीं मालूम था कि इसराइल ने जो है पूरे के पूरी जो मैंने जो सहाफ़ियों की जो वो बिल्डिंग थी, सहाफ़ियों की तमाम इमारतें, उसको गिरा दिया, बमबारी की उस पर। उस वक्त उस इसराइली वज़ीर इत्तला से उसने इंटरव्यू नहीं किया, एक पाकिस्तानी उसको मिल जाता है, उनको साहब इंटरव्यू करें, मेरे जैसा आदमी होता तो उसको बताता कि तुमने मुग़लों के एम्पायर किस तरह तबाह किए, तुम तो कातिल हो, तुम डाकू हो, लुटेरे हो, तुम बदमाश हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं अगर वहाँ इसकी जगह वज़ीर इत्तला होता तो उनको बता देता कि तुम्हारी हैसियत क्या है, मैं आई एम रॉयल फैमिली का मैं आदमी हूँ और तुमने जो है तुम्हारी रॉयल फैमिली के, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर रॉयल फैमिली का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो तुम्हारे अंदर तुम टेंशन हो जाते हो। एक कौंसल जनरल यहाँ अमरीका बरतानिया का आया, जब उसने देखा कि मुझसे बात करने लगा, उसने मुझे कहा कि आपका नाम नुसरत मिर्ज़ा है, तो जो नुसरत मिर्ज़ा जो लिखते हैं तो वो लोग तो मुग़ल नहीं होते हैं। जब उसने मैंने उसको किताब पेश की अपनी सियासतदान और जनरल मकदारी कश्मकश, तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था मिर्ज़ा नुसरत जा बेग। तो जैसे ही उसने ये नाम पढ़ा एकदम से अटेंशन हो गया, जैसे कि एक रॉयल फैमिली के सामने बैठा हुआ। मैं रॉयल फैमिली का आदमी हूँ तो मुझे मालूम है तुम्हारी हैसियत क्या है बरतानिया के लोगों की कोई हैसियत नहीं है, मैं बिल्कुल चमारों की तरह से हमारे उनसे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं समझते हम इनको, इसलिए कि ये लोग डाकू हैं, लुटेरे हैं, हम तो डाकू नहीं कहें, हमारे तो मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। वरना तो ये कहें तो बात बनती ये बनती है कि आपको इसको ये कहना चाहिए था फवाद को कि भाई आपको, और उसको सलाम भी पेश करता हूँ फवाद चौधरी को, मैं इस काबिल भी नहीं समझता था फवाद चौधरी को मैं इससे बात करूँ, लेकिन अब मैं उसको इस काबिल समझता हूँ जब उसने ये बात कही है कि मैं पाकिस्तान का हमें एटमी ताकत है, आपको ऐसी ऐसी बात हमारे पर नहीं करनी चाहिए। पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई,
वहाँ उस वजीर उससे ये सवाल करने चाहिए था फवाद को कि तुमने वहाँ पर उसका इसराइली वजीर इत्तलात का इंटरव्यू लिया जी, उससे सवाल किया ये बात, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम बेईमान हो, तुम मैंने हमारे खिलाफ इस्लाम दुश्मन हो, तुम इस्लाम फोबिया का शिकार हो, तुम मैंने बिल्कुल इंसाफ पसंद नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है, तुम्हारे अंदर इस्लाम दुश्मन ही है, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम इसके लिए तुम खाली हो बिल्कुल, तुम इंसानियत से खाली हो, तुम किसी अखलाकियात से खाली हो, तुम दरिंदों की तरह से तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा है। अच्छा, हमारे यहाँ कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम खुद देखेंगे ना उसको, आप थोड़ी फैसला करेंगे। आप उससे इस तरह से बात कर रहा है, इज ओल्ड मैन जो एंकर था, तो मैं उसको बताता पहले, सबसे पहले पूछता तुम्हारी उम्र क्या है, तो मैं अपनी उम्र बताता उसको, कहता तुमने सारी उम्र जो है गुलामी की है और हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की है, तो तुम इसका हिसाब देना पड़ेगा किसी न किसी एक दिन। तो वो इज ओल्ड मैन जो एंकर था, वो ओल्ड मैन था, लेकिन अब फवाद चौधरी को ने जो भी जवाब दिया, जो उससे बस मन पड़ा वो ठीक दिया उसने, एज ए रेस्पॉन्सिबल वजीर इत्तलात हम इसलिए उसको सराहते हैं जी। लेकिन उसको ज़रूर ये पूछना चाहिए था कि इसराइली वजीर आजम ने जब बिल्डिंग गिरा दी थी तो उस वक्त उसके वजीर आला से वजीर इत्तलात से इंटरव्यू करने की आपकी जरूरत हुई, ये जवाब उसका आखिरी था, उसका जवाब था। और बताइए उसे कहो कि तुम बताओ कि तुम जो लूट के लिए गए हो पूरे इंडिया को, सोने की चिड़िया को तुमने आज गुलाम बना दिया है, गरीब इतना गरीब मुल्क बना दिया, हमें लूट कर चले गए, हमसे पूछते हो कि सब तुम्हारी मईशत का ये हाल है, तो तुम्हें बता दिया कि मईशत तुम्हारी इस वक्त भी हमारी अच्छी मईशत है, इंडिया से बहुत बेहतर मईशत, मैं इंडिया तो माइनस में जा रहा है, शुक्र हम इस वक्त हम तो इस वक्त 2 इंटरनेशनल लेवल पर हम 4% पर खड़े हुए हैं जी, तो फिर GDP रेट हमारा ज़्यादा है, अगर है भी तो तुम्हें इससे क्या कर दे, तुम तो खुद हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हो। ये बात उनके मुंह तोड़ जवाब जब तक नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ कि अगर मैं उसकी जगह पर वजीर इत्तलात होता तो मेरे सामने वो ये जुरत नहीं कर सकता था ये सवाल करने की, क्योंकि सबसे पहले मैं सवाल करता कि तुमने मुगल एम्पायर को तबाह किया है और तुम जालिम लोग हो, तुम कातिल लोग हो, तुम लुटेरे लोग हो, तुम आए थे इस हैसियत से कि यहाँ पर मैं इस इंतजार करने के लिए आए थे और तुमने फिर हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया और तुमने जो जुल्म किया है, जितने आदमियों को तुमने शहीद किया तमाम दुनिया के अंदर, अफगानिस्तान में तुम क्या कर रहे हो इस वक्त, तुमने शाम में तुमने क्या किया है, तुमने तो वहाँ पर जो तुमने जो वो शामियों को मारा है उससे आग से, जो आपने जो यूज़ नहीं कर सकते हैं वो आपने शामियों को मारा इस तरह से, तो वो तुम बर्तानिया ने मारा ना, इराक में मारा लीबिया में मारा नहीं, लीबिया की बात नहीं, क्योंकि तो जो इस्तेमाल किया उन्होंने वो जो आग का हथियार जो केमिकल हथियार इस्तेमाल किए वहाँ पर, तो इन्होंने शाम में इस्तेमाल किए ना, नाम तो बर्तानिया का आया ना, तो ये और तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो ये बुढ़ा बात कर रहा था जो हामिद मीरवाला कुछ कांड हुआ था 2-3 दिन पहले पाकिस्तान में, उसको लेकर फवाद चौधरी ने BBC में इंटरव्यू दिया, तो उस टॉपिक पर ये बात कर रहा था, उस कॉन्टेक्स में ये बात कर रहा था, उसी बीच इसके अंदर पता नहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कुछ कहानी पैदा हुई और ये बोलने लगा कि तुम हमारा ये मुग़ल साम्राज्य लूट कर ले गए, फलाना ठिकाना जवाना, और इसने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि मैं मुग़ल साम्राज्य से हूँ। इस गधे को पता रहना चाहिए कि भारत में जब अंग्रेज आए थे उस समय मुग़लों की ताकत क्या थी, मुग़ल कितने % एरिया में थे। आपको भी पता होगा दोस्तों, आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा है कि भारत की तरफ से ये लड़े थे वो लड़े थे, तो आप अपनी हिस्ट्री करेक्ट करिए और ढंग से पढ़िए। आपको भी पता है कि उस टाइम पे मुग़ल केवल दिल्ली में थे और दिल्ली में भी वो किसकी वजह से चल रहे थे, मराठाओं की वजह से चल रहे थे। 76% जो एरिया था भारत का वो मराठाओं के अंडर में था, उसमें हैदराबाद भी आता था जो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी बाद में, और सेंट्रल इंडिया UP का बहुत सारा हिस्सा, और जो हिस्से नहीं आते थे जैसे मुग़लों के हिस्से, तो उनसे जागीरदारी यानी टैक्स लिया जाता था, राजपूताना एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो इसको पता होना चाहिए कि मुग़लों जब ब्रिटिश आए यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, तो उस टाइम पे यहाँ पर कितना क्या हिस्सा था इसके अंदर। अब पता नहीं इसने क्या बोल दिया कि मेरे अंदर मुग़लों का खून है, मैं मुग़ल परिवार से हूँ, मैं रॉयल फैमिली से हूँ, मैं इन बदतमीज़ों से बात भी नहीं करता। इसकी शक्ल देख कर ही लग रहा है कि रॉयल फैमिली की हालत कैसी रही होगी। हालाँकि आप बहादुर शाह जफर के जो 2 बच्चों की फ़ोटो आपको मिलेगी जिन्हें मार दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनकी फ़ोटो भी देखोगे तो इससे ही कुछ मिलती जुलती, तो मुझे लगता है ये होगा रॉयल फैमिली से। तो दोस्तों, रॉयल फैमिली से होने का दावा तो बहुत सारे लोगों ने किया है, आपको भी पता है बहुत सारे कार्टून पड़े हुए हैं यूट्यूब पर मिल जाते हैं, लेकिन शायद ही होंगे अब उनको पता ही नहीं होगा वो किस फैमिली से हैं, होंगे मटन शॉप होगी किसी की, कुछ शॉप होगी, बहुत सारे लोग हैं तो होंगे। तो गाइस, इस बेवकूफ़ को अब मैं क्या जवाब दूँ, ये ऐसी बातें कर रहा है, मतलब किस तरीके की बातें कर रहा है, आपको भी पता है
देख सकते हो आप इसका फ्रस्ट्रेशन। ये मतलब इंग्लैंड वालों को धमकी दे रहा भैया, तो फिर क्यों इंग्लैंड की नागरिकता लेते हैं पाकिस्तानी, क्यों वहाँ पे मरते हैं? आपको भी पता है इंग्लैंड में कितने सारे पाकिस्तानी बसे हुए हैं, कितने सारे पाकिस्तानी हर साल वहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इस बेवकूफ़ से बोले कि उनको मना करे, इसके अंदर एकदम से मुगलिया खून निकल आया है, तो अब क्या कर सकते हैं गाइज। और इसने एक वर्ड यूज़ किया, मतलब आप समझ सकते हो जो हिंदुस्तान में भी बहुत यूज़ किया जाता है, गाली दी जाती है, चमार वर्ड यूज़ किया, तो आप समझ सकते हो ये हैं तो हिंदू ही, अब कन्वर्ट होके अब ये मुगलिया बनने के चक्कर में धर्म तो बदल लिया लेकिन गाली तो यहीं की निकलेगी। हालांकि आजकल वो गाली देते हैं लोग तो बहुत बुरा मान जाते हैं, आपको भी पता है युवराज सिंह ने दी थी तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई थी, तो डेफिनेटली ये एक कई लोगों को अगर बुरा लगता है तो वो गाली हमें नहीं देनी चाहिए। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस बेवकूफ़ को मुझे पता है कि आपने सुनकर डेफिनेटली आपका दिमाग ख़राब हुआ होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा दिखाना था इस बेवकूफ़ को कि किस तरीके की हरकतें हैं पाकिस्तानियों की।